कोच है, हमारे सीनियर लीडर भी हैं, हमारे गठबंधन के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का सोच एक है कि भगवान श्री राम हम लोग के आराध्य हैं। अब हम पार्टनर हैं, इसका ये मतलब नहीं होता। आप मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है, टू दी पॉइंट बात कीजिए। पार्टनर का मतलब नहीं होता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, वो क्या बोलेंगे, उसका जवाब मैं देना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी। मैं तो बोला ना, मेरी पार्टी और मैं और मेरा परिवार, मेरे समाज, ये 12 करोड़ का जो हमारा परिवार है, इसमें सभी धर्म के लोग, 135 करोड़ में सभी धर्म के लोग हैं, तो सबका सोच अलग है, नजरिया अलग है, तरीका अलग है, जिनको जो मन में आए बोले, उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन श्री राम प्रभु हमारे आराध्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि रामायण में अशुद्धियां हैं, इस कारण से इसको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर रामायण में अशुद्धियां हैं तो शुद्ध होकर आएगा तो वो पढ़ेंगे अपना। उनके नाम के आगे भी तो राम है कि कौन किस नाम पर, किनके अस्तित्व पर, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भगवान श्री राम हम लोगों के आराध्य देव हैं, और उनके अस्तित्व को खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और हम लोग तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आप देखे थे, इससे पूर्व में भी कांग्रेस के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है राम सेतु में, लेकिन बाद में फिर सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हुए। तो उनके अस्तित्व को कौन मिटा सकता है, तब अपना अपना मानना। सर मोइनुल हक स्टेडियम का भी